हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्व ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं अपनी MS Excel ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 6 में। इसके अंदर हम आपको होम टाइप का जो नंबर फंक्शन होता है, होम टाइप का ये जो नंबर फंक्शन होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड करवाएंगे। पूरी डिटेल वीडियो आप आज हम इसके ऊपर बनाएंगे, जिसके अंदर हम नंबर फॉर्मेटिंग, डेट, टाइम, करेंसी, नंबर, परसेंटेज, टैक्स, डेसिमल, इंक्रीज, डिक्रीज, ये सब कवर करेंगे। इससे पहले जो हमने एक्सेल की वीडियोज़ बनाई है, जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करा है। सेकेंड में हमने जो है फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन करा है। थर्ड वीडियो में हमने जो है होम टैब का फंक्शन यूज़ करा है, जिसके अंदर हमने ये फोन का फंक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट यूज़ करा है। देन उसके बाद फोर्थ वीडियो में हमने अपना होम टैब का जो अलाइनमेंट का फंक्शन होता है, इसे कवर करा था। फिफ्थ में हमने जो है अपना फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करा था। सारे के सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पिछले वीडियो के, तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये जो डेटा है हमारा, ये हमारी बुक्स की फर्म का डेटा है। हमारे जो फर्म का नाम है वो टुगेदर बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारा जो है बुक्स ऑनलाइन सेलिंग का काम है, जिसके अंदर हम ऑनलाइन बुक सेल करते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे टुगेदर बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको ये पहला लिंक मिल जाएगा। ये हमारी गूगल लोकेशन आपको मिल जाएगी गाइस, ठीक है गाइस। ये हमारी वेबसाइट है जिसे हमने खुद बनाया है। इसके ऊपर भी हम प्रॉपर एक ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस चैनल पर गाइस, ताकि आपको ये प्रॉपर वीडियो दिख सके, वीडियो भी मिल सके। ये देखिए, पूरी की पूरी वेबसाइट हमने खुद ही बनाई है, खुद ही डिज़ाइन करा है इसमें सारा, जिसमें हमने सारा ये ब्लॉगिंग का हो गया, ये जो ब्लॉग है ये हमने करे हुए हैं, ये हमारे मेन्यूज़ के आइटम हो गए, ठीक है गाइस। हम जो है मैक्सिमम हर तरीके की बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं, स्पेशली डिस्काउंट हम मेडिकल बुक्स में देते हैं। ये हमारे बेनिफिट है गाइस, हमारे साइट से शॉपिंग करने से, यानी कि टुगेदर बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर से। तो अगर आपको कोई बुक्स परचेस करनी हो, या आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड को कोई बुक्स परचेस करनी हो, तो हमारे डिटेल उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो बेसिकली ये जो फंक्शन होता है होम टाइप का, जनरल ऑप्शन में ये जो फंक्शन होता है, ये मैक्सिमम जब हम एक्सेल का काम कर रहे होते हैं डेली यूज़ में, तो मैक्सिमम ये फंक्शन काफ़ी यूज़ होता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम जो है कवर करेंगे, इसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले ये जो हमारे टेक्स्ट होते हैं, या भी जो नंबर की फॉर्मेटिंग होती है, ये होती है हमारी जनरल फॉर्मेटिंग। आप ये देख सकते हैं, ये जितनी भी हमारी फॉर्मेटिंग होती है, ये हमारी जनरल फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कि टेक्स्ट लिखना और ये नॉर्मल वैल्यू लिखना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसके अंदर आता है नंबर फॉर्मेटिंग। ये तो हमारी जनरल फॉर्मेटिंग होगी। सपोज मैं इस एरिया पे, ये मेरा स्टॉक है बुक्स का, जितना भी स्टॉक मैंने वेबसाइट पर अपलोड करा है, ये स्टॉक है इन बुक्स का। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर मैं नंबर फॉर्मेटिंग करूँ, तो नंबर फॉर्मेटिंग जैसे ही मैं कर दूंगा, ये देखिए, जैसे ही मैं नंबर फॉर्मेटिंग कर दूंगा, तो दो डेसिमल इसके अंदर आ चुके हैं। अब हम चाहे तो इन डेसिमल को इंक्रीज भी कर सकते हैं, चाहे तो इन डेसिमल को डिक्रीज भी कर सकते हैं। सपोज मेरे पास कोई ऐसा डेटा हो, एक मिनट रुकिएगा गाइस, सपोज मेरे पास मेरी सेल वैल्यू का डेटा हो, सपोज मेरी जो है कितना सेल हो रहा है मेरा ईयर में, सपोज मेरा 1920 20-21 और अपना 20-22, ये हमारे ईयर हो गए जो हमारा सेल वैल्यू है। मैं अप्रोक्सीमेट कुछ भी रख लेता हूँ, ये लगा लीजिए मिनिमम हम 1,00,000 रख लेते हैं, मैक्सिमम हम अपना 8,00,000 रख लेते हैं अप्रोक्सीमेट। ये अपना हो गया 8,00,000, ठीक है। इसको हम पेसेस वैल्यू कर लेते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, सपोज मेरा डेटा है गाइस, आप अभी देख सकते हैं, जैसे कि ये जो ईयर है ये हमारा टेक्स्ट में लिखा हुआ है एक तरीके से, और ये जो हमारा है सेल है ये हमारा वैल्यू में लिखा हुआ है। और लेकिन दोनों में अभी आप देख सकते हैं, दोनों में जनरल फॉर्मेटिंग दिखा रहा है। अगर सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ तो भी देखिए जनरल फॉर्मेटिंग दिखा रहा है, अगर यहाँ पे जाता हूँ तो भी जो है जनरल फॉर्मेटिंग दिखा रहा है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ मेरी जो सेल है ये मेरे पास एग्जैक्ट लिखा हुआ है, कि जैसे कि सेल जो हुई है 5,50,000 की हुई है, इसको ऐसा कर लेते हैं लाख में कर लेते हैं, ताकि देखने में आसानी रहे। ये देखिए गाइस, अगर मैं इसके डेसिमल कम कर देता हूँ
तो मेरा ये सेल आ रहा है कि जैसे 1920 में मेरी सेल 6 लाख रुपए की हुई है, 2021 में मेरी सेल जो है 3 लाख रुपए की हुई है, ठीक है, और 2021 to 2022 में मेरी जो सेल हुई है वो अप्रोक्सीमेट फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए की हुई है। अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, अब मैं चाहता हूँ मेरी जो सेल वैल्यू है ना गाइस, मेरे को ये एग्जैक्ट पता चले। सपोज ये तो डेसिमल हो गया कि मेरी 6 लाख रुपए की सेल हुई है, पर मेरे को एग्जैक्ट कितना सेल हुआ है, मतलब मेरे को डेसिमल में देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको नंबर फॉर्मेटिंग तो अपनी है ही है, ये देखिए मैं इसको नंबर फॉर्मेटिंग में कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको नंबर फॉर्मेटिंग में कर दूंगा तो ये देखिए तो टोटल एग्जैक्ट बताएगा मुझे कि टोटल जो मेरी सेल हुई है वो 5,55,000 रुपये की जो है 1920 में हुई है, 2021 में मेरी जो है 3,07,000 रुपये की हुई है, 2021 to 2022 में मेरी जो है 1,70,000 रुपये की हुई है। ठीक है गाइस, नंबर फॉर्मेटिंग का फायदा एक मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि मेरा ये ISBN नंबर है, ये तो मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है, अगर सपोज ये ISBN नंबर मेरे पर अलग से आते हैं, जैसे कि मैं इसकी फॉर्मेटिंग हटाया था तो पे स्टेटस वैल्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं पे स्टेटस वैल्यू करूंगा, ये देखिए गाइस, ये जो फॉर्मेटिंग है ये जो 13 डिजिट का ISBN नंबर है, अगर ये 13 डिजिट का ISBN नंबर है तो ये देखिए ये जो कंटेंट है ये कैसे दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जो 13 डिजिट का ISBN नंबर है ये देखिए आप, एकदम सही दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि नंबर फॉर्मेटिंग जो है इसकी खराब हुई हुई है, जिसकी वजह से दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया जिस पे मुझे काम करना है, ठीक है। उसके बाद इसके शॉर्टकट्स हैं, पहले तो मैं आपको डायरेक्ट माउस के थ्रू बताता हूँ, या तो आप नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसके अलावा चाहें तो Ctrl+1, जैसे ही आप Ctrl+1 शॉर्टकट दबाएंगे तो आ जाएगा। तो अभी तो ये जनरल फॉर्मेटिंग हुई है, एक तरीके से टेक्स्ट हुई है, मेरे को उसको नंबर में करनी है। तो मैं नंबर पर जाऊँगा, ठीक है, डेसिमल बता रहा है कि आप कितना डेसिमल रखना चाहते हैं, मैं इसमें 0 डेसिमल रखना चाहता हूँ, बस मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मेरी जो मेरा ISBN नंबर है। जैसे ही मैं इसको ओके कर दूंगा, ये देखिए गाइस, ये हमारा सारा का सारा ISBN नंबर एकदम एग्जैक्ट आ चुका है। ISBN नंबर जो होते हैं वो बुक्स के बैक साइड पे बारकोड जो होता है 13 डिजिट का, उसे हम ISBN नंबर कहते हैं। तो जूम आउट कर लेते हैं इसको एक बार फिर से, ठीक है। तो ये हमारा ये पॉइंट कवर हुआ अभी नंबर फॉर्मेटिंग का, इसको थोड़ा सा जूम आउट और कम कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसके अलावा नंबर फॉर्मेटिंग के अलावा डेट का फॉर्मेट हम देखते हैं। डेट का काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है, जैसे ही आप डेट का देखेंगे आपको जो है अप्रोक्सीमेट टाइम का भी एग्जैक्ट आइडिया पता चल जाएगा। सपोज मेरा ये जो डेटा है, ये जो मैं डेटा वेबसाइट पर अगर अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे पास ये डेट है कि ये डेटा वेबसाइट पर कौन सी डेट को अपडेट हुआ है, जैसे कि 17 मई को हुआ है, 14 मई को हुआ है, 12 मई को हुआ है, ये भी 17 मई को बुक्स अपडेट हुई है, ये 14 मई को हुई है। तो ये सारा डेटा मेरे पास जो है अपडेटेड है डेट और टाइम का, ठीक है ना। तो सपोज मुझे ये डेट जो है ये अभी ऐसे पता चल रहा है 5/17/2021। अब मुझे वैसे तो एक्सेल का जो डिफॉल्ट फंक्शन है वो यही लेता है कि पहले मंथ आता है, फिर आपका डेट आती है, फिर आपका ईयर आता है, पर काफ़ी बंदों को एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता तो वो देखते हैं कि इसमें डेट कौन सी और मंथ कौन सी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये फॉर्मेटिंग है ये मेरी इस तरीके से आए कि पहले मेरे DD आए यानी कि दिन आए, उसके बाद हमारा मंथ आए, फिर उसके बाद हमारा ईयर आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उस एरिया को पहले सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ पर मुझे काम करना है। तो मैंने करा है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं बटन दबाऊंगा Ctrl+1 का, या तो आप Ctrl+1 का बटन दबा लीजिए, चाहे तो यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग पर आ जाइए। तो मैं मैक्सिमम शॉर्टकट ही यूज़ करता हूँ, तो मैं दबाऊंगा Ctrl+1 का बटन। जैसे ही मैं Ctrl+1 का बटन दबा दूंगा तो ये देखिएगा डेट का फॉर्मेट आ गया है, ठीक है। तो डेट के फॉर्मेट ऑलरेडी आपको बने बनाए यहाँ भी मिल जाएंगे। सपोज मुझे जो फॉर्मेट चाहिए था, मुझे ये चाहिए था कि मेरा पहले दिन आए यानी कि DD आए, फिर उसके बाद मंथ आए, फिर उसके बाद ईयर आए। जैसे ही मैं इसको करूंगा तो ये देखिए ये आ गया 17 मई 2021, 14 मई 2021, 12 मई 2021, 17 मई 2021, ठीक है ना, 14 मई 2021। सपोज मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे को जो है DD ना आए, मेरे पे सिर्फ मंथ मंथ आए, मंथ और ईयर आए। तो उसके लिए मैं फिर से जाऊँगा फॉर्मेटिंग पे, Ctrl+1 दबाऊंगा। उसके लिए हम सबसे बेस्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग, ये सबसे बढ़िया रहता है, इसमें ऑलरेडी आपके काफ़ी जो है बने बनाए फॉर्मेट होते हैं, पर लेकिन हम खुद का खुद फॉर्मेट बनाएंगे। तो हम ये चाहते हैं गाइस, इससे पहले हम सब कुछ इरेज कर देंगे, हम ये चाहते हैं कि मेरे को सिर्फ मंथ मिले और उसके बाद मुझे ईयर मिले। तो मंथ भी मैं जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसी टाइप में चाहता हूँ, मैं नंबर फॉर्मेटिंग में नहीं चाहता। तो मंथ अगर मैं टेक्स्ट में करना चाहता हूँ तो एक बार मंथ करूँगा M, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये आपको दिखाई देगा। दूसरी बार करूँगा M, तीसरी बार करूँगा M, जैसे मैं दूसरी बार M करूँगा तो मई लिखा गया, ठीक है। स्लैश डैश का ऑप्शन मैं दबा दूंगा, फिर उसके बाद ईयर, ईयर के लिए मेरे को मैं भी ईयर भी चाहता हूँ कि मेरे को प्रॉपर 4 डिजिट में ईयर दिखाई दे। तो 1, 2, 3, 4,
अगर मैं 3 पे भी करूँगा तो भी आ जाएगा, पर 4 फिर भी रखते हैं, ठीक है गाइस। तो मई 21 यानी कि से मंथ और ईयर मेरे को दिखाई दे कि कौन से मंथ में अपडेट हुआ है या कौन से ईयर में अपडेट हुआ है, ठीक है गाइस। सपोज़ मैं प्रॉपर डेट भी चाहता हूँ कि मेरे को फिर से प्रॉपर डेट ही दिखाई दे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने करे थे फॉर्मेटिंग, इसके आगे एक डैश और लगा के डी डी और लिख दूंगा, ठीक है ना। डी डी मैं दो बार इसलिए लिखूंगा क्योंकि सपोज मैंने एक बार लिखा तो 7 हो 8 हो 9 हो 10 जो आता है वो दो डिजिट में आता है, 10 हो गया 11 हो गया 12 हो गया, वो दो डिजिट में आता है, तो इसलिए मैंने डी डी दो बार लिखा है। तो ये ऐसे करने के बाद ओके कर दूंगा, जैसे मैंने ओके करा ये देखिएगा इस प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ गई, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ हमारा ये डेट वाला भी कंप्लीट होता है। अच्छा एक चीज़ और छोटी सी बताया था मैं डेट में, सपोज कभी कभार क्या होता है कि हम कोई डेटा को किसी दूसरी शीट में कॉपी पेस्ट करते हैं और उस डेटा को हम पेस्ट एस स्पेशल वैल्यू करते हैं, तो डेट का फॉर्मेट जो है नंबर फॉर्मेटिंग में आ जाता है। कैसे आया था वो दिखाया था, सपोज ये जो डेटा है अभी तो ये फॉर्मेटिंग मतलब सही हुई हुई है, मेरे को उसकी फॉर्मेटिंग हटानी है, तो मैं ऑल्ट ई एस कट बटन दबाऊंगा जिससे कि मेरा पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको वैल्यू पे क्लिक कर दूंगा, देन इसको ओके कर दूंगा। ये देखिएगा इस ये जो फॉर्मेटिंग आ गई है तो ये डेट ही पर, लेकिन फॉर्मेटिंग जो आ रही है वो नंबरिंग में आ रही है और जनरल में आ रही है। आप ये देख सकते हो नंबर और जनरल में आ रही है। सिंपल सा मैं इसको क्या करूँगा, इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, ये हमारा नंबर हो गया, ये हो गया करेंसी हो गया अकाउंट हो गया, ये हो गया शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट, तो मुझे नॉर्मल सा शॉर्ट डेट रखनी है, तो ये मेरी शॉर्ट डेट आ गई, ठीक है ना। अगर इसका मुझे फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो सिंपल सा मैं फॉर्मेटिंग चेंज कर लूँगा, या तो मैं यहाँ से बनी बनाई फॉर्मेटिंग ले लूँगा या अपनी फॉर्मेटिंग बना लूँगा। सपोज मुझे इसमें मेरे को मंथ, चलो इस बार मुझे पहले करना है तो मैं मंथ पहले कर दूंगा, मई डी डी ये आ गया, ठीक है। इसमें सिंपल सा मैंने क्या करा है, पहले मैंने मंथ कर लिया फिर डी डी फिर ईयर, ठीक है। जैसे इसको करूंगा तो ये देखिए पहले आ गया महीना, फिर आ गया डे, फिर आ गया ईयर, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया मेरा डेट का फंक्शन कम्प्लीट। सेम ऐसे हमारा जो है टाइम का फंक्शन होता है, ये मैंने जो टाइम बनाया हुआ है, सपोज इसको मैं कंट्रोल वन कर लेता हूँ फिर से टाइम ऑप्शन पर, आप ये देख सकते हैं। सपोज़ ये जो टाइम है, ये जो टाइम यहाँ पर आप देख रहे हो आ रहा है, ये आ रहा है अपना घंटे में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में और फिर अपना एएम पीएम। मैं चाहता हूँ सिर्फ उसी भी दो चीज़ आए, एक तो घंटा और ये मिनट, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एचएच और एमएस करेंगे, या तो इसमें ऑलरेडी बना बनाया है तो ठीक है, वरना अपने हिसाब से कर लेंगे। तो ये देखिए घंटा और मिनट आएगा, तो जैसे मैं घंटा और मिनट कर दूंगा ये देखिए ये आ गया, पर लेकिन ये जो आ रहा है 24 घंटे वाले उसमें आ रहा है, यानी कि 22 आ रहा है, 24 आ रहा है, 23 आ रहा है। मैं चाहता हूँ एम पीएम के साथ आए, तो फिर से मैं कंट्रोल बंद दबाऊंगा, उसके बाद एम पीएम के साथ जो है ये रहा 31 पीएम, ये देखिए गाइस, ठीक है ना। आप चाहे तो उसको खुद की कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ये देखिए ये हो गया है। सपोज मुझे जैसे खुद की कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है तो ये देखिए ये एच एच एम एम आ जाएगा, इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है हावर्स में मिनट्स में होती है। सपोज मुझे ये फॉर्मेटिंग रखनी है एच एम एफ एच एच, उसके बाद एम एम, फिर डॉट डबल जो डॉट होगा उसके बाद एस एस ए एम पी एम रखनी है। तो ये देखिए मैं ऐसे कर लूँगा इसको, जो पहले वाली फॉर्मेटिंग थी सेम वही फॉर्मेटिंग है भाई, ठीक है गाइस। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, डेट की आपको शॉर्टकट बताता हूँ। डेट अगर आपको लेनी है तो कंट्रोल और ये डबल कोड वाले जो होते हैं इसको आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। मैं आपको एक बार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में दिखा देता हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ये दबाएंगे तो आपका जो करंट में जिस दिन आप काम करो या जो आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में डेट डली हुई है वो डेट यहाँ पर एक्सेल में आ जाएगी। ये शॉर्टकट है, मैं आपको फिर करके दोबारा तो बता दूँ, एक मिनट रुक जाएगा गाइस, ये ऊपर देखिएगा ध्यान से, मैंने दबाया पहले कंट्रोल फिर दबाया ये बटन, यानी कि ये वाला बटन। जैसे मैंने ये बटन दबाया सिंपल से मेरी आज की जो डेट चल रही है वो आ जाएगी, ठीक है गाइस। ये तो मैं शॉर्टकट के थ्रू बता रहा हूँ, चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मेटिंग कुछ भी चेंज करना चाहते हैं या फिर कुछ भी, जैसे कि मैंने ये फॉर्मेटिंग बताया ना आपको, जैसे कि ये फॉर्मेटिंग होती है ये नंबर और जनरल की फॉर्मेटिंग, अगर आप चाहे तो डायरेक्टली इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट डेट हो गया, लॉन्ग डेट हो गया, टाइम भी हो गया, तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये हमारी लॉन्ग डेट हो गई, अब हमारा हो गया कवर पॉइंट, डेट कवर हो गया हमारा, टाइम कवर हो गया है, नंबर फंक्शन कवर हो गया, जनरल फंक्शन जो है वो कवर हो गया है। इसी के साथ मैं आपको टेक्स्ट दिखा देता हूँ। सपोज ये जो नंबर है, अगला पॉइंट हम कवर करते हैं करेंसी का, ठीक है गाइस। तो जैसे कि अभी मेरे पास ये करेंसी लिखी हुई है कि मेरे पास जो है अपनी इंडियन रुपीज में करेंसी है, रेट में ये डॉलर करेंसी है कुछ, और हमारा पाउंड भी है, यूकेपी भी है, ठीक है ना, पाउंड करेंसी भी है, डॉलर एक है। सपोज मैं चाहता हूँ जितनी भी ये जो प्राइस INR जो दिखाया जा रहा है, एक तरीके से मेरे को नॉर्मली ये प्राइस हो जाए,
मतलब अपने अगर सपोज ये डॉलर का करेंसी है तो डॉलर इसके सामने आ जाए, अगर ये रुपीज़ की करेंसी है तो रुपीज़ इसके सामने आ जाए, और इसके अलावा अगर ये अपना यूकेपी यानी पाउंड की करेंसी है तो पाउंड सामने आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस डेटा पे पहले फ़िल्टर लगा लूँगा। फ़िल्टर लगाने के लिए मैंने हेडिंग को सिलेक्ट करा, या फिर पूरी रो को आप चाहे तो पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप शिफ्ट और स्पेस दबाएंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैंने ऑल्ट ए टी का बटन दबाया जिससे कि ये अपना फिल्टर लग चुका है। ठीक है गाइस, उसके बाद माउस से ही ले लेते हैं। चलो माउस से लेने के बाद हम करते हैं सबसे पहले अपना डॉलर का साइन सिलेक्ट। जैसे ही मैं डॉलर की करेंसी सिलेक्ट कर लूँगा तो ये देखिए तीन करेंसी डॉलर में आ रही है। मैं चाहता हूँ ये जो प्राइस INR आ रहा है ये करेंसी डॉलर में इसके सामने लिखा जाए, ये 350 है तो उसके सामने डॉलर 350 लिखा जाए। तो उसके लिए सिंपल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ करूँगा, ठीक है गाइस। उसके बाद जाऊँगा अपनी करेंसी के फॉर्मेट में, करेंसी पर जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली बनी हुई है डॉलर की आ रही है, तो ये डॉलर की ऑटोमेटिकली लग गई है। सपोज मैं डॉलर की जगह अगर यहाँ पे कुछ भी करना चाहूँ ना पाउंड, या पाउंड सेलेक्ट कर लेता तो ये पाउंड हो जाती है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये तो डॉलर की है तो मैं इसको डॉलर ही कर देता हूँ, ठीक है गाइस। नेक्स्ट सपोज हम ओपन कर लेते हैं रेट INR, तो INR की करेंसी हम देख लेते हैं एक बार। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेशन में जाते हैं, करेंसी में जाते हैं, ये हमारी करेंसी के सिंबल हैं। जैसे ही इसको ओके करेंगे तो समाज में सारे सिंबल आ जाएंगे करेंसी के। ये देखिए गाइस INR में हमारी करेंसी आ गई। ये तो चाहे तो हम इसमें INR लगा सकते हैं। ये देखिए INR के अंदर यानी कि इंडियन रुपीज़ में INR में हमारा ये करेंसी आ गई है, ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर हम UKP जो होता है वो पाउंड होता है, चाहे तो हम UKP कर लें चाहे हम पाउंड कर लें, तो इसमें मैं डायरेक्टली चाहे तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, पाउंड लगा सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ अपन ये करेंसी भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अपना आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बेसिकली अगर आपको कॉमा लगाना है या उसके हिसाब से करना है तो अकाउंटेंसी का यूज़ यहाँ पे होता है। डॉलर भी आगे लगाना हो या कॉमा लगाना हो या डेसिमल लगाना हो तो उसके लिए अपना अकाउंटेंसी का यूज़ होता है। सपोज मैं इस पर अकाउंटेंसी कर देता हूँ तो ये देखिए अभी डॉलर का साइन चल रहा है तो उस हिसाब से अकाउंटेंसी यहाँ पर लग गई है। मैक्सिमम ये अकाउंट्स के थ्रू यूज़ होता है। पाउंड लगाना चाहते हैं पाउंड लगा लेंगे हम, चाइनीज़ लगाना चाहते हैं चाइनीज़ लगा लेंगे, उसके अलावा यूरो लगा लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस ये टॉपिक आज कवर होता है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या, इस सेशन में आपको क्या अच्छा लगा। कोई एडिशनली कुछ मतलब सजेशन देना चाहते हैं या कुछ आप बताना चाहते हैं, इसके अलावा मैंने अगर कोई पॉइंट अगर मैं कवर करना चाहूँ तो वो भी मुझे बताइएगा जरूर। अगर आप इसके अलावा एक्सेल में कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमें, वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।